तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में TCS, मारुति सुजुकी, कैंडिला कंपनियों के शीर्ष मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स प्लेसमेंट में वैश्विक बदलाव पर कल मेगा HR कॉन्क्लेव 2 के दौरान मंथन करते दिखेंगे। TMU के छात्र कल्याण निदेशक डॉक्टर MP सिंह ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी है। आप लोगों के साथ हर्ष के साथ शेयर करना चाहता हूं कि तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी 23 अप्रैल 2022 को एक मेगा HR कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है, जिसका विषय है पैराडाइम शिफ्ट इन टैलेंट एक्विजिशन पोस्ट कोविड इरा। इस कॉन्क्लेव का जो एक दिवसीय कॉन्क्लेव है, इसमें मुख्यतः हम धन्यवाद देना चाहते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं हमारे माननीय कुलाधिपति श्री सुरेश जैन सर का, माननीय ग्रुप वाइस चेयरमैन श्री मनीष जैन सर का, माननीय मेंबर गवर्निंग बॉडी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी श्री अक्षर जैन जी का, हमारे कुलपति प्रोफेसर रघुवीर सिंह सर का, रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा जी का एवं एसोसिएट डॉक्टर मंजुला जैन जी के आशीर्वाद से ये एक दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः जो विशेष सहयोग है वो तो जो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी कॉरपोरेट रिसोर्स सेंटर है, जिसमें मिस्टर आशीष नेहरा जी जिसके निदेशक हैं उनके तत्वाधान में, उनके सहयोग से, और हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर RN कसमिया जी CTLD के डायरेक्टर हैं, और उसमें जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हमारे विक्रम रैना जी और आकाश भटनागर जी, इन सब के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी मेगा इवेंट है और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के इतिहास में ये पहली बार है कि ऑफलाइन मोड में ये मेगा HR कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्यतः जो हमारे कीनोट स्पीकर्स आएंगे उनमें मिस्टर प्रमोद कुमार राजपूत जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और साथ में वर्टिकल हेड हैं कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, और दूसरे हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं मिस्टर कृष्ण कुमार जो हेड HR हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से, और मिस्टर राज गुप्ता हैं GM HR TCS के। ये तीनों मुख्य कीनोट स्पीकर होंगे। इसके अलावा और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से हमारे पास जो पैनलिस्ट हैं वो इसमें प्रतिभाग करेंगे, जिसमें मुख्यतः ब्यूरो वर्टिसिस, न्यू बर्ग इंजीनियरिंग लिमिटेड और महारी पावर टेक, टोरेंट गैस, इसके अलावा और दर्जनों ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके बड़े अधिकारी जो डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं या वाइस प्रेसिडेंट लेवल के अधिकारी हैं या जो HR के जो सीनियर लोग हैं वो लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों का मैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में विशेष तौर पर स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमारी यूनिवर्सिटी को ये सौभाग्य दिया है कि हम लोग आपका स्वागत कर पाए। निश्चित तौर पे इससे जो हमारे विद्यार्थियों को और हमारे अध्यापकों को फायदा होने वाला है वो एक अतुलनीय होगा, अभूतपूर्व होगा, और आगे जो पोस्ट कोविड इरा है, यानी कि जो कोविड के बाद हम HR में जो कंपनियां चाहती हैं किस तरीके से वो अपॉइंटमेंट कर रही हैं, किस तरीके से वो रिक्रूट कर रही हैं, उनमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं, क्या क्या परिवर्तन आने की संभावना है, क्या क्या चैलेंजेस स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, किस तरीके के चैलेंजेस कंपनियां फेस कर रही हैं, इस पे एक गहन चिंतन होगा। और निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ ना कुछ एक अच्छे आउटपुट हम लोगों को मिलेंगे, कंपनियों को भी आउटपुट मिलेंगे, हमारे स्टूडेंट्स को भी इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, जिसमें 1000 से ज़्यादा विद्यार्थी कल इसमें हमारे यहाँ प्रतिभाग करेंगे। और निश्चित तौर पे हम ये उम्मीद ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक लैंडमार्क साबित होगा और हमारे जो अध्यापक हैं उनको भी एक लैंडमार्क साबित होगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्री में और एकेडमिक्स में एक गैप दिखाई देता है, शायद हम लोग इस मेगा कॉन्क्लेव के सहारे से, इस मेगा कॉन्क्लेव की सहायता से हम उसको भरपाई करने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये एक मेगा कॉन्क्लेव है, मेगा HR कॉन्क्लेव है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारी हमारे पास आ रहे हैं उनका पुनः 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 धन्यवाद। नमस्कार। इस मेगा HR कॉन्क्लेव 2 में विश्वविद्यालय के 1000 से अधिक छात्र हिस्सा लेंगे।